डिप्टी सीएम ने कहा देश की प्रगति में सहायक होते हैं किसान। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के जुबली हॉल में शुरू हुई भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की दो दिवसीय बैठक। हमारे देश के किसानों का जीवन समेकित खेती के आधार पर ही समुन्नत हो सकेगा। किसान अपने पास उपलब्ध भूमि को विभिन्न भागों में बांटकर उस पर विभिन्न तरह की खेती करे, इससे किसी तरह की प्राकृतिक आपदा में उन्हें अधिक नुकसान नहीं होगा। पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के जुबली हॉल में शुरू हुई भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की दो दिवसीय बैठक में मछली पालन के क्षेत्र में इंटीग्रेटेड फार्मिंग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में भाजपा की सरकार आने से कृषि के क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि बिना ज्ञान के खेती नहीं हो सकती, घर में लक्ष्मी लाना है तो मछली की खेती करनी होगी। जहां केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा जो किसानों के हित में निर्णय लिए गए हैं, जो योजनाएं चल रही हैं, वो आम लोगों तक कैसे आम किसानों तक बेहतर ढंग से पहुँचे, इसकी चर्चा होगी और किसानों के बीच सांगठनिक दृष्टि से हम और कैसे बेहतर होंगे, इन सारी चीज़ों पर समिति विचार करेगी। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी किसानों के हित में जो लगातार कई निर्णय लिए हैं, हमारे बीच कृषि मंत्री बैठे हुए हैं, बिहार सरकार के केंद्रीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कृषि मंत्री जी ने भी कई किसानों के हित में निर्णय लिए हैं और बिहार में किला है। सारे मुद्दों पर चर्चा होगी, फिर राजनीतिक प्रस्ताव होंगे बिहार के संदर्भ में, सारी चीज़ों पर चर्चा। सर एक बात और, मखाना की बात, मखाना रामचल का जो है सर, एक हम सूत्र में जो सर पट्टे गए अब ये तो कहाँ रहना चाहिए, ये तो कानून का काम है, कानून तय करेगा, इसको हम तय नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये कानून तय करेगा जेल में कौन रहेगा और जेल के बाहर कौन रहेगा। इस देश की संसदीय व्यवस्था के अंदर जो भी कार्यप्रणाली है, न्यायपालिका है, वो इसको तय करेगा। अगर इस प्रकार का कोई कंप्लेन शिकायत आती है तो मुझे पूरा भरोसा है कि न्यायपालिका सही निर्णय लेकर के आगे काम। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज पेपर दरभंगा।